दोस्तों, अगर आपको भी कुवैत का वीज़ा मिला है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना। जैसे आप लोगों को मालूम है, मैं हमेशा जॉब रिलेटेड ही वीडियो बनाता रहता हूँ कि आप लोग का जॉब ऑफर लेटर कैसे चेक करें, वीज़ा कैसे चेक करें। ज़्यादातर मेरा वीडियो यही रहता है और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके हमसे मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरे YouTube चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कुवैत के वीज़ा के बारे में। आप जैसे सर्च करोगे ना गूगल पे या अपने YouTube पे कि कुवैत का वीज़ा को कैसे चेक करें, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेगा यहाँ पर। तो क्या वो सारे वीडियो जब आप लोग देखते हो तो आपको विश्वास हो जाता है कि ऐसे ही है सही तरीका वीज़ा को चेक करने के लिए? मुझे तो भाई बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अब बताते हैं क्यों। जब आप लोग ऐसा चेक करते हो तो आपकी जो ये वीज़ा है, इस वीज़ा पे बताते हैं वो लोग कि ये वीज़ा नंबर होता है, ठीक है ना। और आप इस वीज़ा नंबर को इस वेबसाइट पर जा करके और आप अपना वीज़ा नंबर डालोगे और ये कैप्चर को फिल करोगे तो आपका वीज़ा यहाँ पर शो कर देता है कि अप्रूव्ड, तो आप लोगों को विश्वास हो जाता है। लेकिन भाई ऐसा गलती मत करना, आप लोग इस पर कभी विश्वास मत करना। अब मैं ये बात क्यों बोलता हूँ कि इस पर विश्वास मत करना, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि आजकल सबसे ज़्यादा ये फ्रॉड का काम चल रहा है। और जहाँ तक कुवैत के वीज़ा के बारे में बात है, तो जब आप लोग अपना ये वीज़ा नंबर डालते हो तो आपका ये वीज़ा नंबर यहाँ पर लिख देता है अप्रूव्ड, तो ये हो सकता है किसी और का भी वीज़ा नंबर हो। क्या प्रूफ है कि ये वीज़ा सिर्फ आपका ही है और ये वीज़ा नंबर आपका है? ऐसा तो आपने नहीं किया कि आप अपना पासपोर्ट नंबर डाला वहाँ पे और आपका ये वीज़ा नंबर शो किया, आपका नाम भी डाला, ऐसा तो कुछ नहीं किया आपने। तो भाई मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। अब मैं बताता हूँ आपको सही तरीका क्या है चेक करने का। आप बिल्कुल ऐसा चेक कर सकते हो, लेकिन इसमें तो आपका जब आपने वीज़ा नंबर डाला तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि आपका नाम शो कर रहा है और आपका पासपोर्ट नंबर शो कर रहा है, आपका कंपनी के डिटेल्स शो कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि भाई ये सही है। और यहाँ पे सिर्फ अप्रूव्ड लिखता है, तो हो सकता है कि ये मेरा भी वीज़ा नंबर हो जो आपका मैंने वीज़ा पे एडिट कर दिया और वीज़ा नंबर यही डाल दिया जो अप्रूव्ड शो करे। तो आप जब चेक करोगे तो अप्रूव्ड लगेगा, तो आपको लगेगा कि भाई ये सही है। इसे विश्वास मत करना, चेक कर लेना ऐसा अप्रूव भी शो करे, उसके बाद भी एजेंट को और ऑफिस वाले को कोशिश करना कि पैसा ना दें। जल्दीबाजी में अगर अपने पैसा दे देंगे तो आपका पैसा फंस भी सकता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप वीज़ा को कुवैत एम्बेसी, जो है इंडिया में कुवैत एम्बेसी है, तो उस पर आप ईमेल कर दो, ठीक है ना, उससे वेरीफिकेशन करा लो। अगर हो सकता है अगर आप पास में हो एम्बेसी के, तो आप लोग डायरेक्ट कुवैत एम्बेसी में जा करके अपना वीज़ा को दिखा करके उसको वेरीफाई कर लो, समझे बात को। अगर आपने नेट पर चेक किया, बस अप्रूव लिख दिया, बस वीज़ा सही है, पैसा दे देंगे, उसके बाद आपका पैसा फंस भी सकता है, क्योंकि ऐसा होता है। ऐसे इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब आप अपना दुबई का वीज़ा को चेक करेंगे तो आपका डिटेल्स पूरा ओपन हो जाता है, आपका फ़ोटो भी शो करता है वर्क परमिट करके ऐसा। और जब कतर का वीज़ा चेक करेंगे, आप अपना पासपोर्ट नंबर को टाइप करेंगे तो ये निकल जाता है। मालदीव का, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां आप अपना वीज़ा को आसानी से चेक कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वीज़ा आपका ही है। लेकिन कुवैत का वीज़ा नहीं देख सकते आप लोग, बस अप्रूव्ड लिख दिया इसका मतलब वीज़ा सही है, ये नहीं हो सकता। लेकिन कन्फर्म नहीं है कि ये वीज़ा आपका ही है और ये वीज़ा नंबर आपका ही है, तो बिना अच्छे से वेरिफिकेशन किए हुए और बिना एम्बेसी से पता किए हुए आप लोग पैसा मत देना किसी अनजान व्यक्ति को। अगर जान पहचान का है तो मुश्किल नहीं है, जब फ्लाइट नहीं होगा और तो फंसा देगा तो उसे आप पकड़ भी सकते हैं, उसे बात भी कर सकते हैं। और किसी ऐसे ही एजेंट को पकड़ लिया, जैसे यूट्यूब से देख लिया या फेसबुक पे रिक्वायरमेंट कोई दिया और उससे आपने आपको ऑफ़र लेटर दे दिया, आपको वीज़ा दे दिया और बोला कि भाई पैसा भेजो, आपका टिकट कराने वाले हम लोग, तो अगर पैसा ऐसे भेज देंगे तो आपका पैसा फंस सकता है। तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप लोग बच के रहें और लोगों को हेल्प करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उम्मीद करते हैं कुछ आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई